जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद संबंधित जो सवाल थे, उस सवाल सबको हम लोग तोड़ेंगे जो सवाल बहुपद में रहते हैं। इस बहुपद के गुणनखंड को समझेंगे, उसको तोड़ेंगे। एक तो बहुपद के पहले हम लोग शून्यक निकालते हैं, ये देख करके वह शून्यक क्या होता है। तो शून्यक जरा निकाल के देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है बहुपद, ऊपर में लिख देते हैं बहुपद, बहु ठीक है ना। किस क्लास के लिए है? वर्ग दसवीं, क्लास टेंथ के लिए है। पहला बहुपद जो आपका एनसीईआरटी बुक का है और अदरवाइज बुक का भी करवाएंगे साहब, 4S² ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का ये बुक है, बुक से ये सवाल लिखे है, 4S² माइनस 4S+1 माइनस 4S+1। वो दिन गुणनखंड करना क्या सिखाए थे, ये जो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद को गुणनखंड करके जोड़ के या घटा के हमको ये पद लाना है। अब जरा देखते हैं कि अगर नहीं आएगा इस स्थिति में क्या करना था, इस स्थिति में करना था ये पद को, ये एस के जो स्क्वायर है इसको, इसको गुना करके अचर पद को गुना करके उसको गुणनखंड करना है। तो अब नहीं आने वाला है तो इन दोनों को गुना कर, एक को चार को गुना करेंगे तो चार, और चार को हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, टू से टू वन दो हो गया। अब जरा देखो दो और दो को जोड़ेंगे तो चार आ जाएगा, लेकिन क्या सीधे दो और दो ऐसे जोड़ेंगे, दो और दो तो आएगा तो चार ठीक है, लेकिन इसमें साइन किसका लागल है, किसका कौन सिंबल लागल है इसके पीछे में, माइनस है तो माइनस। तो जरा देखेंगे माइनस दो और माइनस दो कितना आ जाएगा, माइनस चार, ये भी समझ गए। और देखो इसको इसको गुना किए थे तो प्लस चार आया था। अब जरा ये भी देखना, माइनस दो गुने माइनस दो बराबर प्लस चार, यानी कि प्लस चार भी आ गए। ये नहीं कि घटा के तो फिर माइनस है तो यहाँ माइनस भी आना चाहिए, प्लस है तो यहाँ प्लस भी आना चाहिए। अब हम यहाँ जरा लिखते हैं बराबर, कहेंगे बराबर 4S² माइनस 4S+1। अब फिर लिखेंगे बराबर, अब यहाँ ये हो गया, चार पद में आया, यानी कि इसको गुणन का। आप देखो दो और दो को जोड़ेंगे चार, दो और दो को गुना करेंगे माइनस दो को, ये एस है, ये क्या है, एस है, टू एस, 4S² माइनस 2S माइनस 2S+1। अब प्लस टू को, 2S को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2S और माइनस 1, क्योंकि ये 2S से इसमें जो भाग देंगे तो 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हम जरा देखते हैं, अब यहाँ देखो माइनस आ गया, यहाँ हम लोग माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस, सॉरी 2S और माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये साइन मिल गया। अब माइनस 1 से अगर इसमें पूरा में गुना करेंगे तो माइनस 1 से गुना करेंगे 2S में तो माइनस 2S और प्लस 1 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2S माइनस 1 इंटू 2S माइनस 1। हम कब समझेंगे कि हमारा गुणनखंड जो किए हैं उसको, गुणनखंड विधि से शून्य निकालते हैं, गुणनखंड इस कोष्टक में जो बंद है वो अंक बराबर होना चाहिए। अगर देखो 2S माइनस 1 है तो यहाँ भी 2S माइनस 1। अब जरा इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, 2S माइनस 1 बराबर 0, 2S बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है समीकरण के हिसाब से, ये प्लस में चला जाए, इसीलिए S बराबर हम लोग लिखेंगे, इसीलिए S बराबर 1/2। अब इधर देखते हैं 2S माइनस 1 बराबर 0, 2S बराबर 1, S बराबर हो जाएगा 1/2, शून्यक हो गया क्या, शून्यक, शून्यक आ गए 1/2, अर्थात क्या सो देखो, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, यही हुआ आपका का आंसर। इस अनुसार
समीकरण के हिसाब से माइनस में था तो प्लस में, इस हिसाब से हम लोग गुणनखंड तोड़ने में कोई इधर उधर दिक्कत नहीं हो सकती। अगर हुए तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके कि दिक्कत कहाँ है, कोई भी तरह के दिक्कत यदि आ जाए तो। इस सवाल को अच्छी से देख लीजिए। अब अगले सवाल हम लोग फिर करते हैं। अगला सवाल इस साइड कर देते हैं इसी पर, चलिए इसको मिटा देते हैं। एक सवाल है हम लोग का, दूसरा 6x² -3 -3 -7, ये बहुपद है। इस बहुपद को शून्य ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, वर्ग दस में यहाँ लिख देते हैं शून्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है शून्य, तो हम लोग लिखेंगे 6x² -7x। क्या बोले थे कि इस पद को गुणनखंड करना है। अब 3 को करेंगे तो इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको इसको गुना कर देते हैं। तो 6 3 18 18 को हम लोग खंड करेंगे 2 से, देखो इसको इसको गुना किए तो 6 3 क्या हो गया 18, अब 9 हो गया। अब 3 से करेंगे 1 1 के, अब इसी गुणनखंड को हमको जोड़ के घटा के लाना है 7, और जिससे जोड़ेंगे घटाएंगे उसको गुना करके 18 लाना। और याद रहे कि ये -3 है और +6 है, तो -3 और +6 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा -18, यानी कि -18। अब उसी हिसाब से आना चाहिए, -18 भी गुना करके। अब देखिए 3 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6x - 9x + 2x। अब देखो -9 और +2 को यदि गुना करते हैं तो -18 ये वाला मिल रहा है, और -9 में से +2 घटाते हैं हम लोग को 7 मिल रहा है, बराबर 0। अब यहाँ देखिए कॉमन लेने में ही डिफरेंट हो जाते हैं, तो कॉमन हम सही तरीके से हिसाब से लेंगे, इन्हें कि धरले कैसे भी ले लेंगे, हिसाब से लेना सीखेंगे। अब कैसे लेंगे उजरा हिसाब से, क्या बोले कि ठीक से नहीं कि ऐसे ले लेंगे फटाक, सब कुछ सोच सोच बुझ के साथ हम लोग लेंगे। अब जरा देखते हैं तो लेंगे, यहाँ यदि हम 3 को कॉमन लेते हैं 3x को, तो ये क्या हो जाएगा 3x और -3 हो गया। अब यहाँ हम लोग 2 हो जाएगा, 3 2 6x, 2x² और 3x² 3 2 6x² 3x और -3 को गुणा करेंगे, यहाँ -1 को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब हम लोग लिखेंगे 3x = 1। एक गौर करिए कि इस कोष्ट के अंदर जो जो पद हमको मिला है, जो व्यंजक, वो एक रंग है। हाँ एक रंग है तो सही है। हो गया, या एक पद और लिख लीजिए 2x + 3x = 3/2, तो आपका शून्य क्या मिला 0, 1/3 और 2/3, यही हो गया आपका आंसर।
ये हुआ आपका आंसर। तो घबराने की बात कोई नहीं कि क्या हो। अब यही कह देगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना, इसी में इसी सवाल को कहे, सवाल यही रहेगा। इसमें बोलेगा शून्यांक, शून्यक एवं गुणांक के संबंध स्थापित कर। स्थापित करना तब क्या करेगा, तब हम लोग क्या करें, तो शून्यंक और गुणांकों के बीच कहता है संबंध स्थापित करना। तो शून्यंकों का योग क्या होता है वो जरा देखिए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है वो जरा देखें। तो शून्यंकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, तो देखो हम लोग लिखेंगे क्या शून्यंकों का योग क्या होता है, बराबर संबंध बराबर आपका शून्य क्या आ गया है, एक बट्टा तीन, दो बट्टा तीन बट्टा दो, ये समझ गए। अर्थात अल्फा बराबर मिला है एक बट्टा तीन और बीटा बराबर मिला है तीन बट्टा दो। तो अल्फा प्लस बीटा, हाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए सी बाई ए, यानी कि सी बाई ए, ये आता है कि नहीं। तो देखेंगे शून्यकों का योग, तो इसको लिखेंगे शून्यकों का योग, योग बराबर क्या हो, अब योग कर लेंगे हम लोग, योग हो गया शून्यकों का योग, योग करेंगे एक बट्टा तीन है, एक बट्टा तीन जोड़ दो बट्टा तीन बट्टा दो बराबर क्या मिलेगा, ये जरा देखिए तीन तीन का लसक, इस तीन तीन का लसक कर लघुत्तम करेंगे, यानी कि लसक करना है तो नहीं कटने वाला, तो तीन दुना छः, इस तीन को कितना आप रहेंगे दो बार, इसमें दो से गुना कर दो दो जोड़, इसको कितना तीन बार, तो इसमें तीन से गुना, तीन तिया नौ हो गया। यही हुआ ना रे भाई आपका सुनने, गलती नहीं ना है कहीं, जरा ये भी ध्यान दीजिए कि गलत ना हो जाए। हाँ 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 कुछ तो ध्यान में देना है, सॉरी यहाँ प्लस वन लेना था, प्लस वन, प्लस वन तो यह जगह माइनस हो गया, ये हो गया माइनस, यहाँ प्लस वन लेना था, गलती हो गया था बाय मिस्टेक, प्लस वन लेना है, अब हो गया। अब जरा देखिए क्या लिखेंगे हम, माइनस प्लस वन यहाँ लगा देंगे, माइनस हो गया माइनस, तो माइनस दो और प्लस नौ और बट्टा छः, तो ये कितना हो जाएगा सात बट्टा, सात बट्टा छः, ये हो गया सात बट्टा छः। तो अब जरा देखिए ये है, ये बी का मान है, इसको सही से लिखिए, तो ये है बी, तो कितना आ गया बी एक्स के गुणांक, तो अर्थात आ गया माइनस, इसको लिखेंगे, इसको छः बट्टा सात को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये जरा देखने, लिखना हम लोग को क्या है, इन पर ध्यान देना और कुछ नहीं, पर ध्यान ध्यान ना क्या लिखना है, तो x का गुणांक किसका आ गया है माइनस x का गुणांक बट्टा छ, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। अब हम लोग अगला देखेंगे कि शून्यकों का योग हो गया, अब शून्यकों का गुणनफल कैसा होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल कैसे करना है वो जरा देख, जरा देख लेते हैं गुणनफल फल को। हम लोग को क्या माया है अल्फा इंटू बीटा, अर्थात हम लोग लिखेंगे इसको एक, इसको माइनस लिखेंगे हम लोग, माइनस एक बट्टा तीन गुने तीन बट्टा दो हो गया, बराबर करो माइनस एक को तीन से गुना करेंगे, माइनस तीन, तीन दुना छः,
जरा देखो ये माइनस तीन अचर पद है, इसको सही से लिखेंगे 6x² - 7x - 3 ये बहुपद मिलेगा। अब जरा देखिए देखिए माइनस सी सी हो गया ये एक्स हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे अचर पद, ये हो गया अचर पद, अचर पद, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। आया कि नहीं, यही है संबंध स्थापित करना। फास्ट में नहीं लिखना है, ऐसे ही लिख के कर दीजिएगा तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। और ये बिहार बोर्ड 3 नंबर में पूछते हैं, बीएम यानि कि बिहार मैट्रिक बिहार बोर्ड जो है ना, बोर्ड मॉडल इसको कहिए, ये बिहार बोर्ड 3 नंबर में पूछते हैं। अगर ये सीख ली तो आपका 3 नंबर यानी कि ये बोर्ड मॉडल हो गया, बोर्ड मॉडल ये करना सीख ली है और इस आधार पर दूसरे को कर सकते हैं तो समझिए आपका 3 नंबर आपके पॉकेट में आ गया। ठीक है, ऐसे ही करके एक एक चीज सिखाते चलेंगे हम लोग, समझ ये समझ गए। अब एक और क्रिएट के तो नहीं, इधर उधर वाला था वो करते हैं, उधर उधर वाला ने आपका बुक से ही इसको समझ लिया हम। देखिए एक सवाल बताते हैं, जैसे लिखल रहेगा कोई क्वेश्चन लिखल है यहाँ t² - 15, इसका शून्य कैसे निकालेंगे? शून्य तो देखो झटपट में निकालना है, ये नहीं कि सोचेंगे तब करेंगे, ऐसे नहीं है, झटपट में निकालना है। तो कैसे, t² - 15 बराबर 0 कर दो, t² बराबर क्या हो जाएगा 15, ओनली 40 बराबर हम लोग लिखेंगे √115, रूट के अंदर प्लस माइनस के चिन्ह लिखा जाता है, रूट के अंदर प्लस माइनस तो लिख दीजिए, वेरी लॉजिकल है। टी बराबर आपका हो गया, हो गया इसको 2 बार लिखना है आपका शून्य, अब हो गया 1 बार लिख दिए माइनस √15, 1 बार लिख दिए प्लस √15, हो गया आंसर। समझ गए, एक सवाल इसी टाइप का और कोई क्वेश्चन आता है जैसे 4u² - 4u, ऐसे टाइप का रहता है कि प्लस रहता है, ऐसे रहता है +8u, इसको भी तोड़ने में बड़ा दिक्कत होता है भाई, कैसे तोड़ेंगे, लगता रहता है कि सर फोर ले, ठीक है इसको तोड़ना कोई जरूरी, इसको तोड़ो, जैसे लिख लो पहले एक बार सवाल लिखने का मतलब, एक बार सवाल लिखना है बनाने से पहले एक बार सवाल को लिखो, एक बार लिखने का अर्थ उस सवाल को पढ़े हैं हम एक बार, तो जरा देखते अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें जरा ना करना, इसमें हम लोग 4u को कॉमन ले लेते हैं, 4u + 2 कर दो, हो गया इसका सुनने को वेरी लॉजिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है, कहेंगे कैसी होगा जरा देखिए, ठीक है 4u = 0, u बराबर हो जाएगा 0/4, u बराबर हो गया आपका 0, क्योंकि भाग देंगे तो 0 मिलेगा। अब जरा देखिए u + 2, u बराबर लिख दो -2, शून्य का आपका हो गया, शून्य हो गया 0 और -2, अर्थात अल्फा बराबर लिख लिए 0 और बीटा बराबर -2, ये हो गया आंसर। समझ रहे हैं बात को, ये हो गया आंसर। अगला दिन हम लोग दूसरा सवाल भी तोड़ेंगे और दूसरे गणित का, ये तो NCERT के थे सर, दूसरे गणित का, और दूसरे गणित का सवाल तोड़ के शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, इसके बाद ये दोनों विचारें हम जिस इसके बाद ये कर लेंगे, तब हम लोग बहुपद निकालना सीखेंगे कि भाई बहुपद अगर डेल रहे अल्फा प्लस बीटा कमान तब बहुपद कैसे निकालेंगे। इसी तरह इससे जुड़े रहिए आप लोग, मीमांसा के स्टडी से बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, बट ये है कि इस सीरीज को आगे घिसते रहिए ताकि इस सीरीज ये आगे बढ़े, दूर दूर तक ये शिक्षा का प्रसार हो, पर से लोग सीखें,
ये नहीं कि एक हम ही सिखाने वाला है, बहुत सारे सिखाने वाले हैं जिनमें से एक हम भी है। अब ये भी नहीं है कि हम बहुत बेटर सिखाते हैं, जो है हमको प्राप्त वो सिखाते हैं। उतना अहंकार वाली कोई बड़ी बात नहीं कि हमको बहुत आते, जो आता है हम आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, वो 11 की बात हो, 12 की बात हो, 10वीं की बात हो, 6ठी की बात हो, या इससे ऊपर की बात हो, जो सारे आते हैं हम धीरे धीरे रखते चलेंगे। केवल आप लोग से अनुरोध है कि इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये तो नहीं कह देंगे बार बार कि भाई लाइक करो सब्सक्राइब, ये सब नहीं। इसको बताओ जिज्ञासा, अगर अच्छा लगेगा किसी को लाइक तो कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, नहीं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ रोज़ कहना ये सब ठीक बात नहीं होता है, जो कहता है तो गलत बात है पूरी। हमारा उद्देश्य है कि ना कहें तो बेहतर रहेगा, और ना कहने पर यदि लोग लाइक करें सब्सक्राइब करें तो बेहतर है। तब के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।